तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष राजनीतिक सेकेंड प्रश्न पत्र के बारे में। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आप लोगों को मैंने बताया था राजनीतिक शास्त्र प्रश्न पत्र के बारे में, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड प्रश्न पत्र के बारे में। अगर प्रथम प्रश्न पत्र की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख लीजिए, आई होप आपको उसमें पूरी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ये सारे पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पिछले साल का मॉडल पेपर है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो को एंड तक देखना है। हो सकता है इस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हों, हो सकता है आपके भी आने वाले एग्जाम में जो भी आप लोगों को 2020 में एग्जाम है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ये सारे क्वेश्चन आएंगे, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये आधुनिक संविधान का है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आधुनिक संविधान। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सारे देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्रिटेन में राजा और राजपद में अंतर बताते हुए जनपद के बने रहने के कारण को बताना है। ठीक है, इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करके अंतर बताना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं लिखिए, तो विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं, जो जिसके बारे में आपको डीपली नॉलेज हो उसके बारे में आप लिखिएगा। ये सब के कुछ जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके मार्केट में सीरीज यानी कि क्वेश्चन बैंक आ चुकी हैं तो उनको परचेज कर लीजिए, उसमें आप अच्छे से पढ़ाई करिए और ये सारे क्वेश्चन उसमें ढूंढिए और आपको पूरी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अथवा करके दो क्वेश्चन रहेंगे, एक करना होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता बताओ। तो जो यूनाइटेड ऑफ स्टेट है उसके बारे में आपको बताना है, संयुक्त जो अमेरिका की संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएँ। विशेषताएँ मैं आपको हेडिंग डाल के उसमें, ठीक है, उसके अंदर डीपली में आप लोगों को कम से कम 3 से 4 पेज लिखना होगा। ठीक है, अब अथवा करके देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। अथवा करके दूसरा है अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली कार्यपालिका प्रधान है, व्याख्या करो। तो इसके बारे में आपको व्याख्या करनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा। तो आई होप मुझे लग रहा है कि पहला ही क्वेश्चन इसका बेटर था, वही आप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय व्यवस्था का वर्णन करो। स्विट्जरलैंड के संविधान की जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में आपको वर्णन करना आ जाए तो मतलब समझ लीजिए कि 3 से 4 पेज, यानी कि वर्णन का मतलब उससे रिलेटेड जितने भी उसके हेडिंग्स हैं, जितने भी उसके सब मार्क्स हैं, वो सब आपको लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, उसके बाद हुआ करके दूसरा भी क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, वर्णन कीजिए। देखिए वर्णन कीजिए मतलब आपको लिखना है डीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के संविधान की विशेषता लिखिए। तो जापान के जितने भी संविधान, ठीक है, उनके बारे में आपको विशेषताएं बतानी है उनके, उसके बाद विशेषताएं आपको हेडिंग में लिखना मैंने बता ही दिया है, तो हेडिंग में आप लिखेंगे तो आपको आसानी होगी लिखने में, क्योंकि जो आप मेन हेडिंग लिखेंगे ना तो जो एग्जामिनर होता है आपके मेन हेडिंग पर ज़्यादा फोकस करता है, उसके अंदर आप थोड़ा बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बना बना के मत लिखिएगा, पहले सही से लिखिएगा। बीच में कुछ सेंटेंसेस आपके मिला जुला के हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट आप लोग ये कोशिश करिएगा तो अच्छे से अच्छे लिखें जिससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अथवा जो करके दूसरा क्वेश्चन वो है जापान की, ये क्वेश्चन है जापान की डाइट के संगठन व कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप यही क्वेश्चन करिएगा, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि जापान के संविधान की विशेषता लिखिए, तो विशेषता आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का जो होगा सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीए बीएससी बीकॉम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, और हाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये अगर मॉडल पेपर आप चाहते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन इस वीडियो में हैं इनकी मैं मॉडल पेपर यानी कि पीडीएफ तो मैंने तैयार ही कर ली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर एक वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी जिसका नाम होगा www.sandeepinfo.com, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से आप इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चीन के संविधान की विशेषताएँ लिखिए। तो चीन के बारे में आप लोगों को संविधान की विशेषताएँ लिखें, विशेषताएँ में आप लोग कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस हेडिंग डाल के आपको वही मैंने लिखना है,
कुछ खास नई विशेषताएं लिखना है, और आप अगर अच्छे से लिख लेंगे हेडिंग डाल के तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है, चीन में लोकतांत्रिक विवेक केंद्रीकरण क्या है समझाइए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसमें मत उलझें, यही वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे जो आप मार्केट से परचेज करेंगे सीरीज या अपने क्वेश्चन बैंक, तो उसमें सब विशेषताएँ सबके बारे में पूरे लिखे होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो हैं सब अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कोई अवध यूनिवर्सिटी से, कोई कानपुर यूनिवर्सिटी से, ठीक है, कोई बरेली यूनिवर्सिटी से, तो कोई पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, बहुत सारी हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी हैं, तो सभी स्टूडेंट हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, तो सबके जो क्वेश्चन रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अपने सीरीज से जो भी आपको बेटर लगे वो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन ये थे मॉडल पेपर, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, और पूरे आपका 70 मार्क्स का था, यानी कि 70 मार्क्स के थे और 5 क्वेश्चन थे। तो हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का भी हो पूर्णांक, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी मेरी लगता है मुझे कि आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह की अगर हेल्प चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि हाँ एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार उसका मुझे आंसर देना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपको कुछ पूछना है, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देते हैं। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।